ये देखो कैसे पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, और इसके बगल में नीचे देखो कितना बड़ा खाई, अगर इधर से ये गिरा तो बिल्कुल गया। ये देख रहे हो कितना तेज पानी गिर रहा है, अगर इधर से कोई बह के जाएगा ना तो इतना ज्यादा खाई है कि बिल्कुल बचेगा ही नहीं, पत्थर से उसका टकरा के मौत हो जाएगी। ओ भाई पानी का बहाव बहुत तेज है। अरे गिरना मत रे, गिरना मत रे। हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गाटा देवी माता के मंदिर के बगल में जो झरना है, और इसका बहाव देखो कितना तेज पानी आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दुर्गाटा माता के मंदिर। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं दुर्गाटा देवी मंदिर, जो कि बरगवा में पड़ता है, बरगवा से लगभग 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। मैं पिछली बार बहुत दिन हो गया, लगभग एक साल के आसपास हो गया होगा, गया था, और वो भी गर्मी के टाइम गया था। तो आजकल मौसम बड़ी सुहाना है, एकदम बारिश वरिश तगड़े होता है, तो वहाँ पे एक झरना भी है। तो चल के दिखाएंगे हमारे यहाँ से दुर्गाटा देवी मंदिर जो है 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और बरगवा हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। तो मेरे साथ विकास भी जा रहा है, और ले लिया हूँ अपने पिताजी की गाड़ी। तो चलते हैं हम लोग, और आज का मौसम देखो पूरा बादल ही बादल किया है चारों तरफ, कभी भी बारिश हो सकता है। तो देखते हैं बारिश में मजा आएगा, मस्त घूमते हुए जाएंगे। अभी ऐसा लग रहा है ना कि लगभग 10 मिनट के अंदर भारी बारिश होगी, क्योंकि हल्की हल्की बूंदे गिर रही है और मौसम इतना तेज, फ्लैट पूरा बादल काला कर दिया है। और देखते हैं कब तक घर में पहुंचते हैं, वैसे 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा अपने यहाँ से जाने में। रास्ते में बारिश ना हो, पहुंचने के बाद भरपूर बारिश हो, वहाँ मजा आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरगवा रेलवे स्टेशन, और ये है बरगवा रेलवे स्टेशन उधर सामने वाला, और ये रहा इसका गेट। और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगता है, क्योंकि हर 5-10 मिनट में ट्रेन आती जाती रहती है, और इसी के वजह से अभी इधर फ्लाई ओवर बनने का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से एक ब्रिज बनेगा ऊपर ऊपर से, जो ये नीचे वाले जा रहे हैं ना गाड़ी घोड़ा जा रहे हैं, जो नीचे वाला गाड़ी जा रहा है वो सीधा ब्रिज से उस साइड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब जाम लगता है तो लगभग आधे घंटे 1-1 घंटे का जाम लग जाता है। और यहाँ का भी हालत देखो कितना ज्यादा कीचड़ है, अगर इसके बीच में बाइक बंद हुई तो मान लो कि पूरा पैर गया। तो दोस्तों हमारे अभी दो ब्लॉगर और मिल चुके हैं हमारे साथ, इधर एक है प्रिंसु और इधर है अभिषेक, अभिषेक 15M छोटे से ब्लॉगर है, पर क्यों साला चैनल मेरा ग्रो ही नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे खुद ब्लॉग बनाते हैं और सामने कैमरे के सामने हिचकिचा रहे हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, लगभग 10-11 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से अंदर जाना है, यहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है दुर्गाटा देवी मंदिर, और यहां से 8 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो ऐसे पूरा गांव एरिया है इधर से, तो चलते हैं, अपनी गाड़ी खींच रही है, कहो हमारे बाबू वीडियो ना देखा नहीं कहीं सारे 3-3 जेलर दर का जाना है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा नीचे ही है खाई के नीचे, और अभी हम लोग मेन जहां से पहाड़ से नीचे जाएंगे वहां पे है, और इधर से पूरा व्यू देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल और मस्त। ये देख रहे हो पूरा इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, पूरे जंगल के बीच में, पूरे पहाड़ के बीच में दुर्गाटा माता जी का मंदिर है। तो अभी हम लोग चलेंगे, यहाँ से पूरा नीचे जाएगा रास्ता, और यही थोड़ा सा ही आगे है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा। और मैं तो भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कि अभी बारिश हो जाए तो मजा आ जाता, साला भीगते हुए जाते। अभी ना यहाँ पे जो वहाँ झरना है ना उसका भी पानी शायद गिर रहा होगा, क्योंकि आजकल जब बरसात होता है ना तो झरना वाला पानी गिरता है। तो देखते हैं अगर होगा तो दिखाएंगे जरूर, क्योंकि वही मेन बेस्ट पॉइंट है मंदिर के बाद, मंदिर पहले है, मंदिर के बाद बेस्ट पॉइंट है वही है जहां से झरना गिरता है। मौसम थोड़ा खराब भी हो रहा है, फोन भी भीग जाएगा, माइक भी भीग जाएगा, तो ये भी ध्यान देना है। चलो निकलते हैं यहाँ से। माइक, अरे माइक नहीं, माइक है, ईयरफोन है, छू के देख ले, छू ले, 1.5 लाख रुपए निकलेगा ये पीछे से, वो लगा है मैग्नेट, है निकल जाएगा, मैग्नेट निकाल लो बस। तो गाइस पहली बार ये माइक मैं छू रहा हूँ, थोड़ा दूर रखना, हाँ ऐसा है, इधर ऐसे इतना तक, इतना। सो गाइस आज पहली बार माइक टेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मैं 700-800 वाला माइक यूज करता था, रमेश भाई ऐसा ब्लॉग के लिए लिया है और प्रैंक वीडियो के लिए लिया है, तो बहुत अच्छा माइक है भाई, अब देखते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी। अभी तक तो इसमें सिर्फ ब्लॉग ही बन पा रहा है, प्रैंक हो ही नहीं पा रहा है। हाँ मतलब ले लेते हो पर हो नहीं पाता, हो नहीं पाता, आदमी जो सोच के लेता है ना वो पूरा अच्छे से हो भी नहीं पाता। होगा होगा, ये अपना माइक मन करे इसको दतवान दबा ले का उधरी से आवाज आता रहेगा गले से।
दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और स्टार्टिंग में ही हम लोगों को यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ से पूजा करके उसके बाद चलेंगे अभी आगे। और ये देखो भाई व्यू कितना प्यारा लग रहा है चारों तरफ। सबसे पहला मंदिर अपना यही पड़ेगा, यही स्टार्टिंग से ही ना। इसके बाद फिर अपने दुर्गा देवी की वहाँ पे है। तो दोस्तों अभी प्रसाद लेते हैं, उसके बाद चलेंगे पहले दर्शन करने, उसके बाद चलेंगे झरना तरफ देखने। चलो प्रसाद लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। इधर से रास्ता है चढ़ने का मंदिर, और इधर से थोड़ा आगे भी जा सकते हैं उधर घूमने। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गाटा माता के मंदिर, और चलते हैं अभी दर्शन करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अभी दर्शन हो चुका है, बट अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और ये देख रहे हो पूरा मौसम कैसा हो चुका, पूरा चारों तरफ काला काला बादल। और ये सामने का व्यू देखो, फिर भी कितना प्यारा लग रहा है, एकदम सुंदर दिख रहा है। कैमरे में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाता जो रियल में आदमी देख पाता है, महसूस कर पाता है। और ये नीचे से जो झरना वाला पानी जा रहा है उधर से ही आ रहा है, ऊपर से पहाड़ से ही। तो दोस्तों लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद अभी बारिश हल्का हल्का बूंदे गिर रहा है, अभी थोड़ा सा बारिश छोड़ा हुआ है। बट यहाँ से ये देखो पूरा, अभी कुछ देर पहले इसमें सूखा था, हल्का नॉर्मल पानी चल रहा था, अभी देखो कितना तेज बाढ़ का पानी आ गया पूरे पहाड़ों से। और ये देखो पूरा इधर, अरे ये तो पूरा वाइट वाइट हो गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं अंदर से जाते बनेगा तो चलेंगे उधर भी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे जहाँ से रास्ता है जाने का, बट यहाँ पे थोड़ा अभी पानी तेज हो गया है। हम लोग चलेंगे थोड़ा पत्थर पत्थर से होके, सही लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है। अगर थोड़ा सा पिछला तो थोड़ा तेज जाएगा पानी, इधर तो गड्ढा होगा, उधर वाला पत्थर सही है, वहाँ ज्यादा पानी नहीं है वैसे, लेकिन सिर्फ पानी का बहाव तेज है थोड़ा, इतना तक पानी होगा, डूबेंगे नहीं, इतना रिक्स नहीं है फिर भी। तो दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखो थोड़ा पत्थर है, पत्थर के हिसाब से जा रहे हैं। वो भाई पानी का बहाव बहुत तेज है, पत्थर स्लिप कर रहे हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ से भाई ये नदी नाला पार करके आ चुके हैं, आपको झील दिखेगी। अभी ये इतना तेज पानी जा रहा है ना, इधर से भी पूरा पहाड़ का पानी उधर ही जाएगा, तो वहाँ पे काफी तेज बहाव है। ये देखो गाइस कितना तेज इसका पानी का बहाव है, ये देख रहे हो कितना तेज पानी गिर रहा है। अगर इधर से कोई बह के जाएगा ना तो इतना ज्यादा खाई है कि बिल्कुल बचेगा ही नहीं, पत्थर से उसका टकरा के मौत हो जाएगी। तो ये अभी हम लोग ज्यादा आगे मत जाना वीडियो कैप्चर करने के चक्कर में, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे आधर पानी वाइट, इधर देखो ये हाँ उधर से साफ पानी आ रहा है, इधर से पहाड़ का उधर पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। संगम, इसका संगम नाम हो गया। यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज है, अगर थोड़ा सा भी पैर मिस हुआ तो सीधा खाई में जाएंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरे वाले रास्ते से जो मंदिर के बगल से होके जाएगा। पांचवा डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग फिर से वही रिक्स लेंगे जहाँ से हम लोग आए हैं, उधर ही से चलेंगे। दोबारा हम लोग पीछे से आएंगे, उसी से चलेंगे, दिखाएंगे क्या है क्या है। आजकल ब्लॉगर भाई थोड़ा सा ज्यादा गिर पड़ रहे हैं, दिखाने के चक्कर में ज्यादा गिर पड़ जा रहे हैं। यही चक्कर में लोग भाई चाहते हैं कि मिलियन हो जाए पहले। वीडियो देखे है ना, बहुत सारे ब्लॉगर यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे खाई हुई में जाके गिर चुके हैं, तो भैया बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। चाय बार पार, अरे भाई भाई भाई, अरे अरे चोट तो नहीं लगी यार, अरे थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया गाइस, थोड़ा रिस्की भी है। चोट लगा है, ज्यादा लगा है क्या? लग गया यार, देखो अरे भाई पूरा लाल हो गया, छिल भी गया। तुमको लगा मजाक है ये? अरे यार देखो थोड़ा रिक्स है, पैर स्लिप होने की वजह से भाई के हाथ में चोट लग गया। चलो अब चलते हैं दूसरे साइड, माता जी है ना। हाँ ज्यादा कुछ नहीं होने पाया। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले रास्ते के पास, और ये मंदिर के जस्ट बगल से ही है। अभी थोड़ा यहाँ पे हालत खराब है क्योंकि आजकल पूरा घास ही घास चारा चारा चारों तरफ हो गया है। तो देखते हैं इसके बगल में, देखो जो ऊपर से पानी आ रहा है ना पूरा बहते हुए इधर जा रहा है। दिखाने के चक्कर में देखने के चक्कर में कहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है, बहुत लंबा ट्रैकिंग करना पड़ रहा है। दोस्त लोग आए आपके लिए टारगेट रखते हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया आपकी माँ की कसम फॉलो करते हैं ऐसा ना भाई। तो ये देखो गाइस कैसे पूरा जंगल पहाड़ी होते हुए हम लोग जा रहे हैं सिर्फ वाटरफॉल को देखने के लिए, और इधर से थोड़ा बहुत रास्ता तो दिख रहा है। पता है गाइस इस जंगल में सबसे ज्यादा डर लग रहा है नागू भाई का, क्योंकि आज नाग पंचमी भी है, कहीं भी मिल सकते हैं हमको नागू भाई हमारे। यार अरे डरवावा मत यार। तो चलते हैं अभी थोड़ा सा ही आगे झरना जो पानी गिर रहा है। दोस्तों फाइनली ये रहा झरना, और देख सकते हो कितना तेज पानी का बहाव है, और ये देखो भाई कितना तेज पानी आ रहा है पूरा इधर से बहते हुए आ रहा है। इधर का पानी थोड़ा गंदा है क्योंकि ये वाला पानी बहुत दूर से आ रहा है, और ये वाला पानी थोड़ा साफ है क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ से इधर से ही आ रहा है। और ये देखो इधर का व्यू, इधर इसके उस साइड बहुत बड़ी नदी बह रही है, बोड़ांग मत जा नहीं यार, बीचे बीचे में जाग पड़ जी।
आराम से पानी मत गिरा यार, ढेरा पानी बगा। आराम से भैया, मैं लास्ट में फंस गया, मैं कैसे आऊं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहां से निकल रहे हैं झरने के पास से, अब चलते हैं वापस क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी हो चुका है घूमते घूमते, और ये पीछे देख ही सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो चलो चलते हैं, अब हम लोग निकलते हैं यहां से, इधर से होते हुए इधर चढ़ेंगे। ये भाई रिस्क बहुत खतरनाक है, ये भाई इतना रिस्क मत लो यार, गिर पर पैर फिसला तो सीधा काले। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, और ये देखो जिस रास्ते से अभी घूम के आए थे ना उधर से, उससे नहीं जा रहे हैं, अभी चल रहे हैं जो पहले वाले रास्ते से आए थे। और ये देखो कैसे पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, और इसके बगल में नीचे देखो कितना बड़ा खाई, अगर इधर से ये गिरा तो बिल्कुल गया। मैं बोल रहा था कि थोड़ा रिस्की है मत इकरो, लेकिन फिर भी जा रहे हैं लोग। चलो अरे हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो इसका, नहीं तो हड्डी पसली हुआ वैसे भी उधरा लाई। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, सुपरस्टार, पूरी सुपरस्टार। भाई बहुत ही डेंजरस है भाई, यहाँ पे देख रहे हो पूरा एकदम, थोड़ा सा भी अगर पैर स्लिप होगा तो इतने बड़े पत्थर पे गिरेंगे कि बिल्कुल बचना मुश्किल है, फिर भी थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। और ये देखो भाई इधर का नजारा इतना प्यारा लग रहा है, पूरा अभी बारिश हुई है तो और प्यारा लग रहा है। चलो चला जाए, ये देखो कैसे सब लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। अरे भाई हम इतना रिस्क ना ले, हम और किनारे से आ जाए। ये देखो ऊपर से कितना तगड़ा दिख रहा है, और ये पानी ऐसे ऐसे बहते हुए उधर नदी में मिल जा रहा है। दोस्तों अभी वापस आते टाइम, अरे डराओ मत भाई डराओ मत, अभी वापस जब आ रहे थे इसी रास्ते से हम लोगों को जाना था, बट ऐसे घूमते हुए गए थे, तो अभी चलते हैं इधर से। और अभी थोड़ा पानी हल्का कम भी हो गया इधर। लंबा पैर होने का फायदा। भैया आराम से यार, गिरा पर मत यार, ये गया दोस्तों आराम से। भैया उधर ज्यादा डेंजरस है, एक रख पकड़ ले यार, एक रख पकड़ ले, पकड़ ले एक रखी। अरे गिरना मत रे, गिरना मत रे, गिरना मत रे, नहीं तो नहीं सीधा खाई में जाओगे। रुको भैया, हम रुक पकड़े ना वही चले। ओ ओ भाई ओ, ओरे साला रे, ये क्या हो रहा है रे, अरे ओ फाइनली निकल चुके हैं हम लोग बाहर। और ये देखो अभी थोड़ा पानी का हल्का हल्का बहाव कम हुआ है, बाकी उस टाइम बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, ये ऊपर का पत्थर नहीं दिख रहा था। मजा आ गया भाई यहाँ पे आके, एकदम एडवेंचर टाइप से था, और काफी तगड़ा पहाड़ों में पानी होने का ये जो सीन रहता ना, ये मेरे को बिल्कुल बहुत तगड़ा लगता है, बहुत पसंद आता है ऐसे घूमना फिरना। और ये देखो इधर गाय भी घंटी लगाए हुए, कौन कौन बचपन में ये किया है कमेंट करके बता, आवाज आता है बहुत तेज। हम भी किए छोटे थे तो, मतलब कौन किया कमेंट कर देना भाई लोग। चलो अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अब हम लोगों को बैठन भी जाना है, थोड़ा काम भी है उधर। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और काफी ज्यादा मजा आया, और सारे लोग अपने अपने घर पहुंचे, अभी हम लोग चलेंगे बड़गवा होते हुए सीधा बैठन तरफ, यहाँ से निकलते हैं फिर दिखाते हैं आगे। और अभी बारिश वारिश बिल्कुल छोड़ दिया है, इधर भैया लोग खूब मजा किए पानी में, चलो चला जाए। चलिए बिल्कुल, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बैठन में, और अभी है बैठन स्टेडियम में, यहाँ पे 15 अगस्त का परेड स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो अभी रिहर्सल हो रहा है, और इधर पूरा टेंट फेंट जो लगता है सारा चीज़ स्टार्ट हो चुका है। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7-8 स्कूल के, 7-8 स्कूल के यहाँ पे परेड होता है, और बाकी पुलिस वाले ये सब सारे लोग रहते हैं। तो चलते हैं अभी देखते हैं, थोड़ा इधर घूमेंगे उसके बाद चलेंगे घर तरफ। और वैसे मज़ा तो उधर काफ़ी ज़्यादा आया, इधर देखो बारिश उतना हुआ नहीं है लेकिन उधर जम के बारिश हुआ है। और ये देखो भाई यहाँ पे, अरे ये सनशाइन वाले हैं क्या यार, अरे भाई अपना स्कूल। मैं भी पढ़ा था ना 11-12 स्कूल। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गया, और आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आया और काफी तगड़ा एडवेंचर वाला सीन था। और आप लोग भी अगर मेरा ब्लॉग देख के जाना तो भैया सेफ्टी से जो हम लोग किए हैं वो मत करना, थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।